आला संविदा कर्मचारियों को निकाले जाने के विरोध में आज राजधानी लखनऊ के सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग संगठन के लोग धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमडी तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमडी तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएचएम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। एमडी तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? विजय वाजपेयी, जिला अध्यक्ष लखनऊ, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संविदा कर्मचारी संघ। किस लिए आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं? दिनांक 16 मई 2018 को मिशन निदेशक श्री पंकज कुमार जी द्वारा बगैर किसी कारण के हमारे 18 साथियों, संविदा साथियों का निष्कासन कर दिया गया, जिसमें कि उस एचआर मैनेजर द्वारा हस्ताक्षर किए गए उस आर्डर पे जो कि नवंबर में भर्ती घोटाले में स्वयं आरोपित है और निलंबित है, उस एचआर मैनेजर के हस्ताक्षर से हमारे कर्मचारी 18 निर्दोष कर्मचारियों को संविदा समाप्त कर दी गई। सीधे से ये लिख दिया गया कि आपको विभाग की ज़रूरत नहीं है बगैर किसी पूर्व नोटिस के, जबकि संविदा कर्मचारियों को निकालने से पहले एक महीने का लीगल नोटिस दिया जाता है, वो कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, केवल बगैर किसी की कोई सूचना के उनको निकाल दिया गया। और हम लोगों का आज का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि यदि सरकार की तरफ से शासन स्तर से कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, उचित कार्रवाई नहीं होती है, हमारी मांगे नहीं मानी जाती, तो हम लोग किसी भी दिन समस्त जनपद के धरने स्थल पर आ जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए यहाँ लखनऊ कूच कर जाएंगे। जो संविदा कर्मचारी हैं किन पदों पर थे और किन जो है जिलों से निकाले गए हैं? हमारे संविदा कर्मचारी आयुष चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ हैं, योग विशेषज्ञ, A&M स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, LT और कंप्यूटर ऑपरेटर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, DPM डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम प्रबंधक और DCPM, इन पदों पर कार्यरत हैं। सभी लोगों ने एकजुट होकर अपने अपने CSC पे कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, प्लस हमारे साथ यहाँ जनपद में बैठे लोग हैं, ये सब लोग कार्य बहिष्कार पे हैं। किन जिलों से निकाले गए हैं, जिलों के नाम बता दीजिए। लखीमपुर खीरी से, मैनपुरी से, गोंडा से, बदायूं से, अमरोहा से, लगभग 18 जनपदों से अलग अलग कर्मचारियों को निकाला गया है। आगे क्या रणनीति होगी, क्या मांगे आपकी रहेंगी, आप किस तरह से इसको आगे धरना ले जाएंगे? आगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष का आह्वान है कि 2-3 दिनों के अंदर यदि कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग लखनऊ आके अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे, जिसमें कि हमारी जो आकस्मिक सेवाएं हैं वो भी बाधित कर दी जाएंगी। क्या सीएमओ ने अपनी कोई प्रतिक्रिया दी? आप सीएमओ ऑफिस में धरना दे रहे हैं, या किसी उच्च अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई है, वार्ता हुई है, या किसी को आपने ज्ञापन दिया अभी तक? नहीं नहीं, कोई ज्ञापन नहीं दिया गया, न ज्ञापन अब देंगे, न किसी उच्च अधिकारी द्वारा कोई आश्वासन दिया गया अभी तक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मुख्य मांगें की हैं कि 18 कर्मचारियों को जो निकाला गया है बिना नोटिस के, बिना किसी सूचना के, उनको उनके पद से निष्कासित कर दिया गया है। ये गंभीर विषय है। यहाँ पर लोग काफ़ी क्रोधित हैं, उत्साहित लोग हैं, धरना अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि हम इसकी अपने धरने को लेकर आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कैमरामैन शाहरुख खान के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेसमैन न्यूज़, लखनऊ।